अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वन जो है रियल एनालिसिस का, कोशिश करते हैं आज कंप्लीट हो जाए। सो लेट स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और ए बी जो है बिलोंग टू आर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड इस ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं कि हम ए बी और बी ए को डिफरेंट नंबर मानेंगे। ऑर्डर का इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ए बी और बी ए को हम डिफरेंट मानेंगे और इसको लेबल करेंगे। वी विल लेबल ए बी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और ए बी कहाँ से? रियल नंबर्स, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, राइट। और ये रूडन की किताब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सारे ये डेफिनेशन आपको आती है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं ए प्लस आयोटा बी, ए बी बिलोंग टू आर, राइट। इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है, ये डेफिनेशन जो कि आपको आती है पेपर थ्री आप पढ़ रहे हैं। तो थ्योरम क्या है, लेट जेड एंड डब्ल्यू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन, जी देन नंबर वन, चंद एक प्रॉपर्टीज है यू नो वेरी वेल कि जेड मॉड ग्रेटर देन जीरो होता है और जेड मॉड इज इक्वल जीरो, ठीक है। अगर जीरो मॉड इज इक्वल जीरो, यानी कि जेड इज इक्वल जीरो, अगर जेड जीरो है तो फिर, और दूसरी बात जेड कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू जेड होता है, जबकि जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस ए उल्टा बी, यानी कि ए माइनस बी, ये वाला ऑर्डर पेयर इसको हम कहेंगे, ठीक है जी। इस तरह से तीन नंबर पे है, नंबर थ्री जेड डब्ल्यू मॉड जेड मॉड डब्ल्यू मॉड ओमेगा भी कह सकते हैं। नंबर फोर रियल ऑफ जेड जो है, रियल ऑफ जेड जो है वो लेसर इक्वल टू जेड मॉड। नंबर फाइव इज जेड प्लस डब्ल्यू इज लेसर इक्वल टू जेड मॉड प्लस डब्ल्यू मॉड। इस तरह से फर्दर जो है प्रॉपर्टीज जो हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थी जो कि बड़ी वेल नोन है और आप इनको देख सकते हैं, z प्लस w, नंबर सिक्स z प्लस w कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, नंबर सेवन z w कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट, देन z एट z प्लस z कॉन्जुगेट, व्हाट इज दिस, टू रियल ऑफ z, टू रियल ऑफ z, और दूसरा है z माइनस z कॉन्जुगेट, क्योंकि माइनस करेंगे तो टू आयोटा इमेजिनरी z, टू आयोटा इमेजिनरी ऑफ z, राइट जी। और जेड जेड मॉड नंबर नाइन, जेड जेड मॉड इज इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर इज रियल, ओके। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत सिंपल हैं, आप इनको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसका मैं आइडिया आपको देता हूँ। ये है कि z को आप एक नंबर ले लें
एक्स प्लस ए होता वाई। याद रहे कि यहाँ पे एक्स को जो है रियल पार्ट ऑफ जेड कहते हैं और वाई को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। इस तरह से डब्ल्यू को भी आप ले लें, ए प्लस ए होता भी ले लें और फिर इन प्रॉपर्टीज़ को इन दोनों नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज आप जनरली प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉपर्टी इनमें से प्रूव करने की कोशिश करें तो कौन सी जी जेड प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू मॉड का स्क्वायर जो है लास्ट प्रॉपर्टी से जेड प्लस डब्ल्यू और जेड प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट, दिस इज जेड प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इंटू जेड बार प्लस डब्ल्यू बार, इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू 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 कॉन्जुगेट, दिस इज जेड मॉड स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू मॉड स्क्वायर। तो इसको अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट को, अगर इसको मैं पी मानूं जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट को, तो अगला जो है पी कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जेड मॉड स्क्वायर प्लस ये दोनों का आप कह सकते हैं टू रियल ऑफ जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू मॉड स्क्वायर, राइट। और आपने एक प्रॉपर्टी ये भी देखी कि रियल ऑफ जेड जो है, रियल ऑफ जेड जो है वो लेसर इक्वल जेड मॉड होता है। तो यहाँ आप इसको जेड मानिए और रियल ऑफ जेड लगाइए तो ये बन जाएगा लेसर इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर प्लस टू। अब ये क्या हो जाएगा जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू मॉड स्क्वायर, और कॉन्जुगेट भी यू नो डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डब्ल्यू मॉड डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो क्या बन जाएगा जी हमारे पास, दिस इज लेसर इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर प्लस टू इसको जेड मॉड डब्ल्यू मॉड, क्योंकि वो डब्ल्यू कॉन्जुगेट मॉड आएगा और डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू मॉड और डब्ल्यू कॉन्जुगेट मॉड बोथ आर सेम, सो प्लस डब्ल्यू मॉड स्क्वायर। इसको देखेंगे तो ये जेड मॉड प्लस डब्ल्यू मॉड होल स्क्वायर। तो आर आपने क्या प्रूव कर दिया, जेड प्लस डब्ल्यू मॉड स्क्वायर इज लेसर इक्वल टू जेड मॉड प्लस डब्ल्यू मॉड होल स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हैं जेड प्लस डब्ल्यू मॉड इज लेसर इक्वल टू जेड मॉड प्लस डब्ल्यू मॉड। ले जी ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। तो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ कुछ आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर जो इस तरह से नहीं होगी मतलब जैसे हमने यूज़ किया कि रियल ऑफ जेड जो है जेड लेसर इक्वल टू जेड मॉड, तो अब जेड मॉड जो है देखिए जेड मॉड जो है यू नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई तो रियल ऑफ जेड जो है वो एक्स होगा विच इज़ ऑलवेज लेसर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड मॉड राइट स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ भी जो कि एक्स है तो रियल है आप लगा लें, तो दिस इम्प्लाई अगर इसका स्केयर लेंगे तो ये एक्स स्केयर आ जाएगा, तो दोनों से स्केयर ख़त्म कर दें तो रियल ऑफ जेड मॉड इज लेसर इक्वल टू जेड मॉड। सिमिलरली द अदर प्रॉपर्टीज द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर एंड आर सिंपल, यू कैन प्रूव, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इन्हीं को यूज़ करते हुए हम आगे एक प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, उसका नाम है श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी जो कि सीवर्थवाइल है।
शोअर्स CHWRZ Schwarz inequality. अब ये क्या है, चूंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा नॉलेज यूज हो रहा था इसलिए हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर लिया है। तो ये कहता है इफ ए वन ए टू ए एन, ए वन ए टू सो ऑन ए एन, एन बी वन बी टू सो ऑन बी एन आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन समेशन ए आई बी जे, ठीक है जी, और इधर क्या आता है जे बेस फ्रॉम वन टू एन, राइट, मैंने नंबर की किताब रखी थी क्या बन जाएगा जी, इज इक्वल टू अच्छा ये आ गई रिडंडेंट की किताब से, ये इसकी स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, ये है मॉड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू समेशन ए आई मॉड स्क्वायर, अच्छा इधर जे है तो फिर इधर भी जे कर लें, ए जे सम वन टू एन ए जे मॉड स्क्वायर इनटू समेशन बी जे मॉड स्क्वायर जे सम वन टू एन, ये जी श्वार्ज इनइक्वालिटी, इसको हमने प्रूव करना है, राइट। तो देखिए जी इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, एक्चुअली इसका प्रूफ देखिए, हमने ये प्रूफ करना है कि ए जे बी जे कॉन्जुगेट समेशन जे विल फ्रॉम वन टू एन मॉड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू समेशन जे विल फ्रॉम वन टू एन ए जे मॉड स्क्वायर समेशन जे विल फ्रॉम वन टू एन बी जे मॉड स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है। तो आप पुट कर लें, पुट ए इज इक्वल टू ए जे वाला ले लें समेशन ए जे मॉड स्क्वायर जे विल फ्रॉम वन टू एन, और बी आप ले लें समेशन बी जे मॉड स्क्वायर जे विल फ्रॉम वन टू एन, राइट। अगर ये लेते हैं और सी तीसरा लेते हैं एंड सी इज इक्वल टू समेशन ए जे बी जे कॉन्जुगेट जे विल फ्रॉम वन टू एन, लो जी ये हमने सब क्वेश्चन लगा ली ए जे मॉड स्क्वायर बी जे मॉड स्क्वायर, राइट। अब देखिए हम कहते हैं अगर बी जीरो है तो तमाम जो है कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, इफ बी इज इक्वल जीरो देन बी वन बी टू सो ऑन बी एन इज इक्वल जीरो, देखिए ना बी के अंदर ये सारे हैं, बी के अंदर देखिए यहाँ पे बी है बी वन मॉड स्क्वायर प्लस बी टू मॉड स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एन मॉड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी, तो जब ये जीरो होगा तो ये चूंकि पॉजिटिव नंबर्स का सम है, देखिए जी ये क्यों है पॉजिटिव नंबर का सम है स्क्वायर है, तो अगर ये जीरो है तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, इसका तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ऑल बी आईज आर जीरो, ये भी जीरो है ये भी जीरो है ये भी जीरो, अदरवाइज तो ये बी वन मॉड स्क्वायर प्लस बी टू मॉड स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एन मॉड स्क्वायर सारे के सारे स्क्वायर हैं और स्क्वायर तो जीरो नहीं होंगे, तो बहरहाल अगर ये जीरो है और सम ऑफ स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो है तो ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। सिमिलरली इफ बी इज इक्वल टू देन ऑल आर जीरो, अगर ये जीरो है तो ये प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा,
और इनकी प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगी, लिहाजा जीरो लेसर इक्वल जीरो, द इनइक्वालिटी इज ट्रूली ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देन रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है जी, अगर ऐसी बात है तो रिजल्ट हमारा ट्रू है, इसलिए अब हम रिज्यूम कर लेते हैं कि बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। Assume therefore b greater than equal, क्योंकि वो सम ऑफ स्क्वायर है तो जारी बात है जीरो नहीं है तो ग्रेटर देन जीरो है। देन अब आप देखिए आप क्या करेंगे, देन कंसिडर considered summation b a j minus c b j mod square j will sum 1 to n। अब इसको z mod square की तरह ट्रीट करते हुए इसको आप लिख सकते हैं कैसे, summation j will sum 1 to n b a j माइनस सी बी जे इंटू बी ए जे माइनस सी बी जे कॉन्जुगेट। तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन बी ए जे माइनस सी बी जे जे माइनस वन टू एन इंटू, अब बी का कॉन्जुगेट, बी जो है पॉजिटिव है मॉड स्क्वायर का सम है, लिहाजा बी का कॉन्जुगेट ये बी ही रह जाएगा राइट right? और ए जे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इस पे आएगा फिर इसके पे आएगा जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी की है। अब इसको यहाँ देखिए ना, ये बी कॉन्जुग बी ए जे कॉन्जुगेट माइनस सी बी जे कॉन्जुगेट, और ये फिर बी कॉन्जुगेट ए जे कॉन्जुगेट माइनस सी कॉन्जुगेट बी जे कॉन्जुगेट। अब बी जो है चूँकि सम ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर्स का सम है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, तो कॉन्जुगेट जो है वो बी कॉन्जुगेट रियल नंबर है इसका अंदर, और रियल नंबर में कॉन्जुगेट वही आ जाता है, चूँकि ये रियल नंबर तो ये बी आ जाएगा, और ए जे कॉन्जुगेट माइनस सी जे और बी जे कॉन्जुगेट ये वैसे ही आ जाएगा बी जे कॉन्जुगेट। तो ये बन जाएगा बी ए जे कॉन्जुगेट माइनस सी कॉन्जुगेट बी जे कॉन्जुगेट। अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाता हूँ, लुक इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा समेशन बी स्क्वायर, ये ए जे है ये ए जे बार ए जे मॉड स्क्वायर हो जाएगा, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस समेशन बी सी जे, सी कॉन्जुगेट इसका ए जे और बी जे बार, ए जे बी जे बार, फिर ये इससे माइनस समेशन ये जे वेल सम वन टू एन जे वेल सम वन टू एन जे वेल सम वन टू एन माइनस ये इससे क्या देगा बी सी ए जे बार बी जे, फिर ये इससे सी मॉड स्केयर भी हो जाएगा सी सी कॉन्जुगेट और प्लस हो जाएगा सी मॉड स्केयर समेशन समेशन को जे वन टू एन सी मॉड स्केयर बी जे कॉन्जुगेट ये भी बी जे मॉड स्केयर हो जाएगा बी जे मॉड स्केयर राइट। अब जो दूसरे नंबर्स हैं तो उनको बाहर ले लीजिए, कैपिटल लेटर को कीप इट आउट, ये बी स्क्वायर ये समेशन ए जे मॉड स्क्वायर जे वेल सम वन टू एन माइनस ये बन जाएगा बी सी बार समेशन ए जे बी जे बार जे वेल सम वन टू एन
और फिर ये बी सी बाहर आ जाएगा, माइनस बी सी समेशन ए जे बार बी जे जे सम वन टू एन प्लस दिस प्लस सी मॉड्स के बाहर समेशन बी जे मॉड स्केयर जे सम वन टू एन व्हाट इज दिस बी स्केयर व्हाट इज दिस, ये ए था तो ये ए ए मॉड स्केयर क्या हो गया जी, ए स्केयर हो गया, ठीक है, सॉरी दिस वाज ए माइनस बी सी कॉन्जुगेट और ये क्या था, ये सी था, और फिर से ये माइनस बी सी और इस पे देखिए ये सी था, ये सी था, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा रहे तो यही बन जाता है, तो ये सी कॉन्जुगेट बन गया बी सी सी कॉन्जुगेट और प्लस सी मॉड स्क्वायर और ये क्या बन गया, ये बी, लुक दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए माइनस बी सी मॉड स्क्वायर माइनस बी सी मॉड स्क्वायर प्लस बी सी मॉड स्क्वायर वन इज कैंसल्ड, और लेफ्ट साइड पे जो हमने कंसीडर किया था किस किस्म का था, दिस दिस स्क्वायर ये था, इसलिए ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, इस किस्म की चीज़ थी जो लेफ्ट साइड पे कंसीडर की थी, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स था, सम ऑफ क्या हमने कंसीडर किया था, समेशन जे वेरियस फ्रॉम 1 टू n बी ए जे माइनस सी बी जे मॉड स्क्वायर, दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो क्या बचा हमारे पास, कॉन्सिक्वेंटली we get 0 less or equal this is b square a minus b c mod square, इसको आप लिख सकते हैं b into b a minus c mod square, अब b जो है चूंकि greater than 0 था, b greater than 0 था, इसको divide कर सकते हैं, so r 0 less or equal to बी ए माइनस सी मॉड स्क्वायर, आर इसको इधर ले आए सी मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए बी, अब वैल्यूज बैक कर दें तो यू विल सी द रिजल्ट, हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया, पुटिंग वैल्यूज बैक इन दिस इक्वेशन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, आगे चलिए जी, आगे क्या है, इसके बाद हमारे पास है लास्ट आइडिया यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस ई यू सी डी ई सी यू यूक्लिडियन ई सी यू सी सही देखिए इसके रूडन किताब में थ्योरम आ रहा है नेक्स्ट यू सी एल आई डी ई एन यूक्लिडियन स्पेसिस, यूक्लिडियन स्पेसिस, यूक्लिडियन स्पेसिस क्या है कि आप क्या करते हैं, आप के टपल बनाते हैं, आर के बनाएंगे, यानी कि ये बेसिकली आर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको पहले लेक्चर में बताया था, क्रॉस आर ये कितना है के टाइम्स के फैक्टर्स है जी, के फैक्टर्स हैं इसके, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स के और सारे के सारे एक्स आई बिलोंग टू आर होंगे, वन लेस इक्वल टू के होगा राइट, या यूँ कह लेंगे जी इसको अगर आप एक्स कह लें x is equal to like this x1 so on xk and xi belong to r 1 less equal to y less equal to k, तो स्पेस इसलिए कहते हैं ये वेक्टर स्पेस बनाती है, याद रखिए अगर मैंने वेक्टर से स्पेस आपको पढ़ाई तो तब मैं बताऊंगा कि जब भी आप किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहते हैं तो
तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसके ऊपर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कीजिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर एडिशन है, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, एंड द रेस्ट ऑफ द कंडीशन यू सी उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है। बल्कि स्टार्ट ही हम यहाँ से करते हैं कि भाई एक अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और वी वी का एलिमेंट है और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर स्पेस के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो वो वैसे भी एफ क्रॉस वी टू वी ये है फंक्शन है, कैसा फंक्शन है जो एफ क्रॉस वी टू वी होना चाहिए, राइट। तो खैर जब वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो तब मैं उसकी डिटेल में जाके बात करूँगा, तो अभी सिर्फ ये बता दें कि ये भी वेक्टर स्पेस ओवर आर है, इट्स अ वेक्टर स्पेस। तो इसमें आप एक्स प्लस वाई को डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू एंड सो ऑन, एक्स एन प्लस वाई एन। अगर वाई भी इसी किस्म का है, वाई वन वाई टू वाई के है, के तक आप गए हुए हैं के। और इस तरह से अल्फा एक्स, अल्फा जो है तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स वन अल्फा एक्स टू सो ऑन अल्फा एक्स एन, ये है। सो यू हैव डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन आर के लाइक दिस, एंड रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन आर के इज अ वैक्टर स्पेस ओवर आर। और इस स्पेस को चूंकि ये वैक्टर स्पेस बन गई है, हम कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस। हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन स्पेस। माय टारगेट इज नॉट हियर टू प्रूव दैट इट इज अ वेक्टर स्पेस, बट यू पीपल रिमेंबर दैट इट इज अ वेक्टर स्पेस। तो व्हेन एवर यू वांट टू शो दैट दैट द सर्टेन सेट इज अ वेक्टर स्पेस, ऑलवेज डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड शो दैट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इट इज एन अबेलियन ग्रुप and the rest of the conditions जो कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन पर बेस करती है, तो उनको प्रूव करेंगे तो वो वेक्टर स्पेस हो जाएगी। सो इसके बाद एक दो बातें और हैं, इनर प्रोडक्ट यूक्लिडियन स्पेस। तो इस स्पेस को हम कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं के टपल। क्या कहते हैं, के टपल। और अगर आर एन होगा तो आर एन ओवर आर ये भी वेक्टर स्पेस है, यानी कि आर इसकी फील्ड है। फील्ड का क्या रोल होता है वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, कि इसके जो एलिमेंट्स बनाए जाते हैं वो इसकी मदद से बनाए जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने लिखा होता है मैट्रिक्स के आगे लिखा होता है ओवर आर, इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स जो है, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो उसकी फील्ड आर ली गई है, ठीक है। यानी कि उस वो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स हैं। इस तरह से समटाइम मैट्रिक्स क्या लिखा था ओवर सी, इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स आपका बनाया गया है उसकी जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से ली गई है, ठीक है, उसकी फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर किसी वेक्टर स्पेस की जो फील्ड है वो आर आर सी हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फील्ड हो या रियल नंबर वाली, तो उसको हम लीनियर स्पेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लीनियर स्पेस। ओके, मैं ये बात नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, हमने आर की मदद से, रियल नंबर की मदद से उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब एक्सटेंशन की अप टू के टाइम्स के टर्म्स, तो वहाँ से हमें उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उसके जो एक एलिमेंट है वो बेसिकली के टपल है, उसके के कंपोनेंट्स हैं। तो उसके अंदर हमने एडिशन इस तरह से डिफाइन की कि पहले पहले एलिमेंट्स ऐड कर लिए जाएंगे, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस तरह से डिफाइन की कि आप जब स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो विद दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दिस सेट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, एंड दिस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस, इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। अब यूक्लिडियन स्पेस के ऊपर हम काम करेंगे, तो यूक्लिडियन स्पेस में अगर दो एलिमेंट लेते हैं x और y belong to RK, ठीक है, अगर RK के दो एलिमेंट लेते हैं तो फिर उनके दरमियान इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। तो फिर ये जो x डॉट y है, x आपको पता है x1 x2 xk,
और y जो है y1 y2 yk ये वाले टपल्स। तो जब इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे तो ये सिंपली जो है आपका डॉट प्रोडक्ट ही है। ये क्या होगा x, हाँ जी इनर प्रोडक्ट x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस वन प्लस xn। इट्स सिंपली ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको अगर आप इनर प्रोडक्ट कहना चाहें तो इनर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। इसी तरह से तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली बन जाएगा दिस इक्वल समेशन एक्स आई वाई आई, आई वैल्यू फ्रॉम वन टू के, ये के तक है सॉरी एक्स के वाई के। तो अगर यही आपने इनर प्रोडक्ट एक्स डॉट एक्स के दरमियान डिफाइन करना हो तो फिर क्या होगा, यानी कि पहला होगा एक्स वन एक्स वन एक्स वन स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर प्लस वन प्लस एक्स एन स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको अब यूँ लिख सकते एक्स के स्क्वेयर, इसको जो समेशन एक्स आई स्क्वेयर आई वैल्यू फ्रॉम वन टू के, ठीक है जी, इसको यूँ डिफाइन करते हैं। और आपको इसको हम लेबलाइज करते हैं इससे के जो इसको आप डिफाइन करते हैं एक्स नॉर्म स्क्वायर, किसे डिफाइन करते हैं इसको हम कहते हैं एक्स नॉर्म स्क्वायर। तो यहाँ से जब एक्स नॉर्म कैलकुलेट किया जाता है तो आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर आई वैल्यू फ्रॉम वन टू के होल पावर वन बाई टू। ये नॉर्म की डेफिनेशन है और याद रखिए नॉर्म भी मॉडुलस की तरह है और रियल नंबर में नॉर्म जो है वो मॉडुलस ही है। अगर ये क्लियर है कि हमारे रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर आ गया तो फिर वहाँ नॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ मॉडुलस ही की ही मॉडुलस ही काम चलती है। इसलिए हमने मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी देखा है, राइट ओके। तो क्या हो गया जी एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स इनर प्रोडक्ट होल पावर वन बाई टू, ये हमारी डेफिनेशन होगी, राइट। अच्छा जी अब लास्ट रिजल्ट जो है जिसका रिगार्डिंग रूडन की किताब में ये मौजूद है, ठीक है जी, वो क्या है थ्योरम if x that x y z belong to rk y z belong to rk right and alpha belong to r and alpha belong to r then जो हमने मॉडुलस के लिए रिजल्ट बनाए थे उसी किस्म के तकरीबन रिजल्ट है। नंबर वन x norm जो है वो ग्रेटर इक्वल जीरो है and x norm is equal to zero if and only if x is equal to zero। नंबर टू ठीक है जी अल्फा एक्स नॉर्म अल्फा मॉड एक्स नॉर्म और नंबर थ्री एक्स प्लस वाई नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म वाई नॉर्म। नंबर फोर ओके एक्स डॉट वाई ये जो है एक्स डॉट वाई नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म वाई नॉर्म ओके और एक्स प्लस वाई जो है लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, सॉरी ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये दिस इज प्लस वाई नॉर्म ओके। एंड देन लास्टली नंबर फाइव एक्स माइनस जेड नॉर्म जो है which is equal to less than equal to x minus y norm plus y minus z, ये भी triangular property को satisfy करती है okay। अच्छा जी ये भी results जो हैं बिल्कुल simple हैं, हम इनमें से कोई एक आध result जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा जी ये हम देखते हैं
ये वाला कॉन्सेप्ट। और मैंने आपको बताया है कि अगर रियल नंबर्स हो या अंडरस्टूड हो फील्ड आपकी कि रियल की है और आर के एलिमेंट्स हैं, तो फिर वहाँ पे जो नाम है उसको आप यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज का भी आपको क्लियर है कि नाम आपकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, तो वहाँ नाम की जगह पे आप मॉडुलस भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। राइट, ओके जी, इसको प्रूव करने के लिए बाय श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी जी, बाय श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी क्या था जी, समेशन, अभी आपने प्रूव की एक्स आई वाई आई मॉड है जी स्क्वायर I वेस from 1 to n is less than equal to summation xi mod square and summation y I mod square I वेस from 1 to n I वेस from 1 to n। अच्छा 1 to n या 1 to k, इट्स अप टू यू कि आपने यूक्लिड स्पेस k टॉपर वाली ली है या n टॉपर वाली ली है। राइट, मेरा ख्याल हमने k टॉपर वाली ली थी, तो आप सबको k कर लें, दिस इज k, दिस इज k, दिस इज k। अच्छा आप देखें इसमें जो है y i जो है रियल है, लिहाजा इसमें क्या है जी y, y के बारे में देखिए स्टेटमेंट में हमने क्या दिया हुआ है, x y z जो है वो ये कहता है कि अगर y रियल है तो फिर उसका कॉन्जुगेट जो है उसी के बराबर है। राइट, सिंस वाई आई आर रियल, ये जितने भी आपने एक्स आईज लिए हैं वाई आईज लिए हैं वैसे तो ये आर के अंदर से ही थे ना, जैसे ये देखिए एक्स वन एक्स टू सो वन एक्स के, ये भी आर के एलिमेंट थे, और वाई वन वाई टू सो वन वाई के, ये भी आर के एलिमेंट थे, तो सारे रियल नंबर। तो वो कहता है चूँकि वाई आई रियल है सो वाई आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वाई आई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बन जाएगा, दिस वी गेट, यहाँ पर करेंगे तो समेशन एक्स आई वाई आई मॉड स्क्वायर आई वेज फ्रॉम वन टू एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई मॉड स्क्वायर समेशन आई वेज फ्रॉम वन टू एन एंड समेशन वाई आई मॉड स्क्वायर आई वेज फ्रॉम वन टू एन। Look at this. What is this? What is this? This is dot product. क्या है dot product? और चूंकि ऊपर square है तो ये norm बन गई, क्या बन गई norm dot product। ठीक है, हमने क्या definition आपको दी है, हमने कहा था कि जो x norm square जो है वो x डॉट एक्स इनर प्रोडक्ट है, तो ये चूंकि इनर प्रोडक्ट है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ से जब ये उधर जाएगा एक्स नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स पावर वन बाय टू, तो ये डॉट है और जब वन बाय टू लेंगे ठीक है जी एक्स नॉर्म तो ये कट देगा, तो ये क्या कह देगा, ये आ जाएगा सिंपली x डॉट y, सिंपली x डॉट उसको हम x डॉट y कह लेते हैं, इसका भी x डॉट y, दिस इज x डॉट y और इसको ऐसे रखते हैं स्क्वायर। और व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये x नॉर्म स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू x नॉर्म स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, x डॉट x, x नॉर्म स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज y नॉर्म स्क्वायर। अब स्क्वायर को थोड़ा सा खत्म कीजिए, तो x डॉट y मॉड इज लेस देन इक्वल टू x नॉर्म y नॉर्म, और ये चूंकि फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस ये चूंकि अंडरस्टूड था ये पॉजिटिव है तो इसलिए आप मॉड की जगह पे नॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x डॉट r यू कैन राइट x डॉट y नॉर्म
इज लेस दैन इक्वल टू एक्स कॉम वाई नॉट। लो जी ये हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया, वेरी सिंपल। अगले जो है द रेस्ट ऑफ द रिजल्ट आर सो सिंपल, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ले जी विद दिस अंडरस्टैंडिंग हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीक्वेंस इडेंट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट चार जो है जो मैं समझता हूँ क्लियर एनालिसिस में आर्टिकल जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आने चाहिए, वो है नंबर वन रियल नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ लिया, इसके बाद सीक्वेंस सीरीज जो हमने पढ़नी है, फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी नंबर थ्री आर्टिकल, और फोर्थ आर्टिकल जो है वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, और ऑफ कोर्स उसके लिए आपको उससे पहले डेरिवेटिव्स और पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं सीक्वेंस सीरीज के ऊपर टाइम लगाऊंगा, लिमिट कंटिन्यूटी के ऊपर भी, ताकि आपकी बेस बेहतर बन सके। ओके जी स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इसमें कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है प्रॉब्लम है यू कैन राइट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।